शुरू करते हैं। कहां से? जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था। अच्छा जल्दी फटाफट फटाफट से बता दो अपने पास, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, प्रेशर। प्रेशर और फॉर्मूला है फोर्स अप्लाइड पर इसका? यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर फोर्स यूनिट। बाय एरिया, बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज चेंज इन इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात। स्ट्रेस का पता लग गया, स्ट्रेन का पता लग गया, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन हो रहा है ये हमने उस दिन देख लिया। जान लिया क्या? नहीं जान लिया? यस सर, यस सर, बिल्कुल जान लिया। तीन तरह के स्ट्रेस थे, उसी तीन तरह के क्या थे? ट्रेन, स्ट्रेन्स आए थे। ट्रेन, अब किसी बॉडी पे अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें कैसे स्ट्रेन जो है वो डेवलप होगा, कैसे बिहेव करेगी वो बॉडी, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसकी मदद से? किसकी आपकी मदद से? मदद से। कौन है अपना मददगार सबसे बड़ा? भूल गए? अरे चिंटू को कैसे भूल सकते हो तुम लोग? यस सर, याद ही नहीं थी अपने स्टोरी सुनाने दी। हाँ वो थप्पड़ मतलब चिंटू के एहसान, मतलब सारी जिंदगी नहीं तुम लोग उतार सकते। चलो तो स्ट्रेस ट्रेन कब पढ़ेंगे आज? चिंटू ने लिया कोई पंगा, ठीक है, जिसके कारण उसकी यहाँ होने जिसकी पे होने जिसके कारण होने लगी। रुक जा भाई दिव्यांशु, ठीक है, जिसके कारण उसकी हुई पिटाई। किसने की पिटाई? पिंटू एंड पार्टी, पिंटू जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों ने चिंटू को इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया कि वो साफ़ साफ हो गया। तो हुआ क्या? देखो, जैसे चिंटू को पिटाई, जिसे चिंटू की पिटाई शुरू हुई तो पहले तो क्या था, उसको दे मारा, एक दे मारा, उसको गिरा दिया, और वो फिर आ गया वापस, उसने भी मारा। जितनी उस पे फोर्स लाई, जितना उस पे मारा, उसको जितना ठोका, उसने वापस आके फिर उतना ही मारा चिंटू ने। लेकिन कितनी देर तक हो पाता भाई? लिमिट होती। उसके एक मारा वो वापस आ गया, दो मारा उसके वापस आ गया, उसके तीन मारे फिर वापस आ गया, लेकिन अरे कोई सीमा तो होती है, ठीक है, तो उसके तीन मारे उसने, वापस तीन मारे, लेकिन अब क्या है, और पढ़ने लगे उसको पांच मारे तो उतने मार ही नहीं पाया बेचारा, ठीक है, उस उसमें जो शक्ति है वो कम होने लग गई। ऐसे ही बेचारे मेटल के साथ होता है। एक पॉइंट आया ऐसा कि उसको इतना धोया, इतना मारा, इतना मारा, वो कहता लो भाई अब तो मार लो तुम लोग, अब मेरे से कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि तब उसकी मैक्सिमम क्षमता तक पहुंच चुकी थी कहानी। इतनी पिटाई पड़ी, इतनी पिटाई हुई उसके बेचारे को, उसको अंत में उसको अपना जीवन त्यागना पड़ा, उसके प्राण चले गए। नहीं सर मारो ना फिर, साढ़े बाकी दे कौन कराऊगा, अगले होर भी चैप्टर आने हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, उसको फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं फटाफट, तुम लोग बचाओ उसको। तो ऐसा ही कुछ होता है किसके साथ? बेचारे मेटल्स और मटेरियल्स के साथ। कभी सोचा है क्या बीतती होगी उस पिलर पे जो एक ब्रिज को लेके खड़ा है ऊपर, है ना, ब्रिज है, ब्रिज जिसके ऊपर ब्रिज टिका हुआ है, उसके ऊपर गाड़ियां पे गाड़ियां चल रही हैं, सारा दिन वो अंडर स्ट्रेस रहता है, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और जब एक दिन ऐसा आता है कि उस पिलर की क्षमता जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ से जब पार उसके ऊपर लग जाता है बोझ, तो वो टूट जाता है और ब्रिज टूट जाता है, और फिर बड़े अगले आराम से दिन आया आज, पता ये कोई, था सारी बाल्टी उल्ट गई सी पार नाल। ओ माय गॉड, अच्छा किदे पार नाल, किदे पार नाल रवनूर, ये तो कॉमेडी कर दी बीच में रवनू। इधर बेचारा पिंटू की हालत ना, चिंटू की हालत ऐसी थी, और तुमने बाल्टी उल्टा दी रवनू।
बताओ तुम कहाँ क्लास लगा रही हो हैं? अरे बता तो दो अब, उसको भी यहाँ पे ले आते हैं हम स्टोरी में, इसलिए माइक नहीं ऑन करती, वो गलती से हो गया। देखो मम्मा से डांट पड़ गई उसको। अब समझ गए तुम लोग, आगे सिर्फ नूर को मत बोलना माइक ऑन करने। यस सर। वो तो सोच रही होगी यार कब ऑनलाइन क्लासेस खत्म होंगी, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अच्छा तो सर आपको क्या सुना? अरे हमको सब कुछ सुन गया रवनूर। रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पे। तो बाल्टी की ट्रेजेडी होगी। तो अरे कहाँ थे यार हम, चिंटू को भूल गए। ब्रिज पे थे। हाँ ब्रिज पे थे। अरे ब्रिज के पिलर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, और रवनूर की बाल्टी के साथ भी कुछ है ऐसा ही होता है। ठीक है तो बस वैसा हम कुछ ग्राफ बना के देखते हैं अभी आगे से। अगले साल से मैं एग्जांपल रवनूर की बाल्टी की दिया करूंगा। तो हुआ क्या, जैसे जैसे हमने इधर है स्ट्रेस और इधर है स्ट्रेन, ठीक है? तो अब जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ये बढ़ा दिया हमने, जैसे जैसे हमने स्ट्रेस को बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ गया यहाँ तक। लेकिन ये एक सीमा तक ही होगा भाई, हर चीज की लिमिट होती है, ठीक है? तो यहां तक हुआ। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पहले तो इतना ही कर लेते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कुछ याद आ रहा है? अच्छा स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब एफ अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, हाँ के ना? यस सर। डेल्टा एल मतलब एक्सटेंशन, हाँ के ना? तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, मतलब एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना? एरिया और लेंथ, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ तो एक नंबर होगा, ठीक है? एरिया भी एक नंबर होगा, तो एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये कहीं सुना है फॉर्मूला एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? यस सर, स्प्रिंग फोर्स में। स्प्रिंग फोर्स में सुना है, बिल्कुल सही बात है। और इस लॉ को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। अरे बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ, है ना? तो यहाँ पे भी वही है भाई, यहां तक ओ से लेके ए पॉइंट तक। ए पॉइंट कहाँ है सर? बना तो दो, बनाते हैं इसको, लिखवाते हैं बाद में। यहाँ पे है ओ पॉइंट, ये है ए पॉइंट। तो ओ से लेके ए पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, जहां पे स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। लेकिन ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे होना बंद हो गया, लेकिन जो कर्व है वो ऐसा मुड़ गया। जब कर्व जो है वो ऐसा राउंड, मतलब राउंड इन द सेंस मतलब कर्व कर्वेचर ले लेगा एक, तो क्या यहाँ पे बी पॉइंट तक क्या हुक्स लॉ ओबे हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कर्व आ गया, हाँ के ना? हुक्स लॉ के लिए लाइन कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। यस सर। लेकिन बच्चों ये जो बी पॉइंट है ना, ओ ए बी, ये सारा जो रीजन है ये अभी भी इलास्टिक रीजन है। क्या है? इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? तो अगर हम मटेरियल पे हमने इतना ही स्ट्रेस लगाया है कि उसमें स्ट्रेन जो है वो बी पॉइंट तक ही पहुंचा है, तो अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव कर दूंगा तो बॉडी क्या कर जाएगी? दोबारा से रीगेन कर लेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। बॉडी जो है वो वापस
अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, रीगेन कर लेगी, हाँ के ना, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो यहां तक तो जो है चिंटू वो लड़ रहा था बिल्कुल पूरी जान जान से, लेकिन जैसे ही बी पॉइंट क्रॉस हुआ, अब क्या हुआ, चिंटू की क्षमता जो है वो कम हो गई, अब उसने उतना लड़ना उसमें हिम्मत नहीं रही, अब क्या है वो फैलना शुरू हो गया, उसके अंग वंग टूटने शुरू हो गए बी पॉइंट के बाद, ठीक है। बी पॉइंट के बाद क्या होगा, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होगा, प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है, तो अगर वो पहले अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था, अब वो वापस नहीं खड़ा, घुटनों तुम लोग और फील ले लो बेचारे की, तो क्या है इधर तो ये है प्लास्टिक रीजन, इधर बी पॉइंट के पार जो रीजन है दैट इज प्लास्टिक रीजन। अब प्लास्टिक रीजन में क्या है, प्लास्टिक रीजन का भी एक अंत होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, yes, sir. ना वो भी एक भाई एक मटेरियल है भाई, उसमें भी एक जान है, और वो कितनी जान है, कितना स्ट्रेस मैक्सिमम झेल सकता है, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सी पॉइंट है, जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे उसका अंत हो गया, तो अगर इसके इससे ज्यादा मारेंगे वो मर जाएगा, मतलब ठीक है वैसे ही होता है, जैसे ही इससे थोड़ा सा अभी हमने ज्यादा खींचा उसको, टांगे किसी ने पकड़ ली, बाजू में किसी ने पकड़ ली, जैसे इससे खींचेंगे तो बस फिर उसके बाद तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डी पॉइंट जो है, वैसे तो ये बहुत पास होता है बट थोड़ा सा हमने दूर इधर विजुलाइज करने के लिए बना दिया, डी पॉइंट जो है दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे बॉडी एक्चुअल में टूट जाती है, सिंपल सा चीज है, जैसे कॉपर है, कॉपर को खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, खींचती रहेगी कॉपर, हाँ के ना, पहले तो देखो पहले नॉर्मल फोर्स पे तो कुछ नहीं होगा उसको, हाँ के ना, yes, sir. कॉपर का जो मटेरियल है उसको कुछ नहीं होगा ना, पहले अंगूठे yes, से दबाएंगे कुछ होगा उसको, No, sir. नहीं होगा, क्यों भाई क्यों नहीं हो रहा, सर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेन जो आया वो वापस उसने रीगेन कर लिया अंगूठा हटाते ही, हाँ के ना, yes, sir. लेकिन अब उसको मशीन में डाल दिया हमने, मशीन ने भाई जोर लगा दिया उस पर, तो कॉपर की वायर्स बनाने के लिए है ना, तो खींच दिया उसको पकड़ के, yes, sir. उसकी पोजीशन रीगेन नहीं हुई, No, sir. ठीक है, तो रीगेन नहीं हुई, उसको खींच के दार बना दी, लेकिन भाई और ज्यादा खींचेंगे टूट नहीं जाएगी वो, हाँ के ना, yes, sir. तो बस वो फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, अरे मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ, जैसे ही सी पे पहुंचा उससे ज्यादा लगाएंगे टूट जाएगी तार, कर लो, और तो एक लिमिट होती है हर चीज की, ठीक है जी, तो वो आ गया फ्रैक्चर पॉइंट। सर डी नीचे क्यों ऐसे है, डी नीचे क्यों, बहुत अच्छा, अब डी नीचे इसलिए भाई क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम रीस्टोरिंग स्ट्रेस की बात करें, जैसे कि एक मेरे पास डब्बा है कॉपर का ब्लॉक है, से उसको उसके ऊपर फोर्स लगाई मैंने एक्सटर्नल, इसने मान लो मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा कुछ शेप ले ली, तो इस पे कोई और फोर्स लग रही होगी, जरा बता इस पॉइंट पे सर उनकी मॉलिक्यूल्स की अपनी फोर्स भी होगी, अट्रैक्टिव भी होगी, करेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो भी इसके ऊपर नेट फोर्स बनेगी वैसे बन जाएगी, yes, अरे तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो भागता ही रहेगा मॉलिक्यूल, yes, ये लाल रंग वाला, हाँ के ना, yes, sir. ये कौन सा अप्लाइड वाला है, ये कौन सा मॉलिक्यूल रीस्टोरिंग वाला, दिस इज डीफॉर्मिंग स्ट्रेस एंड दिस इज रीस्टोरिंग स्ट्रेस, गेटिंग इट, यस सर, ठीक है जी। अब रीस्टोरिंग स्ट्रेस कहां से आया, अंदर की ताकत से, कहां से आया, अंदर की ताकत कहां से आ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, है ना,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण, राइट? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब जैसे अरे भाई उसको इतना मारोगे सी पॉइंट तक उस पर स्ट्रेस ले गए, तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही खत्म हो जाती है, उसके बाद कम हो जाती है, टूटने शुरू हो जाते हैं अंदर चीजें, बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो जो रिस्टोरिंग स्ट्रेस है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए ग्राफ जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ हर बॉडी के लिए सेम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ये तो एक जनरल सा आइडिया है, ये ग्राफ स्टील के लिए अलग होगा, ब्रास के लिए अलग होगा, ठीक है, ग्लास के लिए अलग होगा, वुड के लिए अलग होगा, चौक के लिए अलग होगा, रबर के लिए अलग होगा, हर एक डैम, ईच एंड एवरी डैम ऑब्जेक्ट विल हैव अ डिफरेंट ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, क्योंकि भाई ये ग्राफ किसका रिजल्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रिजल्ट है, उसका बिहेवियर का रिजल्ट है जो इनके कारण आई, हाँ के ना, Yes, सब में डिफरेंट होती है, हाँ के ना, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट, Yes, sir. तो इसलिए ये ग्राफ भी जो है वो हर एक का डिफरेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया दे देता है हमें ग्राफ के, कुछ भाई ऐसा ऐसा वैसा ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। बाकी हम दो तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर देंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा डक्टाइल मटेरियल्स, जैसे yes, क्या yes, होते हैं वो, मैलेबल मटेरियल्स, क्या होते हैं वो, तो शीट्स और जो वायर्स होते हैं, होते हैं, हाँ, जो शीट्स में होते हैं वो मैलेबल, जो शीट्स में जिनको ड्रॉ किया जा सकता है, which can be drawn into sheets, which can be made into sheets, they are malleable. तारों में जिनको बनाया जा सकता है वो ductile. And इसका opposite क्या होता है? Brittle भी होता है sir, एक तो. Brittle, correct. जो टूट सकते हैं. Brittle क्या होता है? अगर वो टूट जाता है. Pieces में break हो जाता है. चकनाचूर हो जाता है. ना जैसे शीशा. Right? That is a brittle material. ठीक है जी, ये ग्राफ बना लो जरा सुंदर सा, उसके बाद यहाँ पे लिख लो, this is sigma max. इसको maximum tensile strength या फिर ultimate tensile strength भी बोल देते हैं. जो इधर वाला रीजन है, लेफ्ट वाला जो रीजन है, दैट इज इलास्टिक या प्लास्टिक, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक, राइट, दिस इज इलास्टिक रीजन एंड दिस इज प्लास्टिक रीजन. सर जो इनमें हम स्ट्रेस ले रहे हैं वो दोनों स्ट्रेस हैं, इंक्लूड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर भी और एक्सटर्नल भी, हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली बराबर ही होते हैं ना हर पॉइंट पे, यस सर, एक ही बात है, इंक्लूड तो दोनों करते हैं, मतलब डबल ही होगी स्ट्रेस को लेंगे अगर, जो डबल मतलब, तो ही तो सर सी और डी में डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिक्रीज हो जाता है, इंटरमोलिकुलर डिक्रीज हो जाएगा बिल्कुल, एक्चुअली इसको ऐसा अज्यूम कर ले, हमने उसको हम उसको स्ट्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन अज्यूम कि ये हम इंटरमोलिकुलर स्ट्रेस मतलब डीफॉर्मिंग नहीं सॉरी रीफॉर्मिंग स्ट्रेस बनाया हमने, ठीक है, जितना हम स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे रीफॉर्मिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ओके सर, हम खींचते जाएंगे, तार है, कॉपर पीस लिया, उसको खींचना शुरू कर दो, स्ट्रेन तुम लोग देना शुरू कर दो उसको, तो उसके अंदर रीफॉर्मिंग स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कि ना, यस, बन गई फोटो, यस, ठीक है, ये प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन
ये ऐसा नहीं है कि ग्राफ के ऊपर लिखा नीचे लिखा उसका, मतलब ये लेफ्ट और राइट रीजन का मतलब है बस इतना, ठीक है। तो इससे बी के बाद प्लास्टिक है सारा, और बी से पहले जो है वो इलास्टिक। ओके, चलो अब इनके मतलब लिखते हैं सबके। दिव्यांशु, यू वर सेइंग समथिंग इन द स्टार्टिंग। यस सर, ये पूछना था कि आपने लास्ट शीयर स्ट्रेन तक ही करवाया था ना, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। हाँ, यहाँ तक कराया था। यस सर, यहाँ तक किया था मैंने। ओके सर, चलो पॉइंट पहले लिखेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जाएंगे। कहाँ तक किया हुआ ये? शीयर स्ट्रेन तक की किया था। नहीं, दूसरे बैच में। सर उस बैच में मैंने शीयर स्ट्रेन तक की किया था, एक क्लास उसके बाद थी, वो कहीं जाना था इसलिए मिस करनी पड़ गई मेरे को। ठीक, तो O to A, O to A जो है that is the region of Hooke's law। Yes sir। Yes। This is the region of Hooke's law, where stress is directly proportional to strain. फिर आता है अपने पास A to B, यहाँ पे ऐसा लिख लिख से बॉडी ऑफ बेस, बॉडी ऑफ बेस। यहाँ पे मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ बट इट इज स्टिल in the elastic region. ठीक है, इलास्टिक रीजन टोटल कितना है? 0 O to B. That is if B forming stress is removed, body will regain its original position. इसलिए point B को हम इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर पॉइंट B, पॉइंट बी के बाद कौन सा रीजन है? इट इज प्लास्टिक रीजन, दैट इज इफ डीफॉर्मिंग स्ट्रेस इज रिमूव्ड द बॉडी does not regain its original position. And some permanent
strain develops. जैसे कि उस तार के केस में हो गया, कॉपर वायर के केस में. रहता है पॉइंट सी. पॉइंट सी क्या है? मैक्सिमम मतलब इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन बेयर. Then we have point F. Sir, D. Oh, sorry. D दिया हुआ नाम उसको. Fracture से F लिख दिया हुआ point D. It is the fracture point. Fracture point. The strain is increased beyond maximum tensile strength. The restoring stress decreases and the body ruptures. Yeah, fractures. Noted? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब different type of materials के लिए देखते हैं. इसमें subheading बना लेंगे. सर BC region मतलब क्या show कर रहा है? B to C जो line जा रही है. BC. Yes. Sir. B to C is वही. अपना प्लास्टिक रीजन. ओके सर, मतलब सर इस पे हम क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है? जैसे हमने सभी पॉइंट्स पे लिखा है यार, वही हो रहा है. इलोंगेशन हो रही है, जैसे तार कॉपर को खींच के तार बना रहे हैं, इसी रीजन में हो रहा है. ठीक है सर. Stress strain curve for different type of materials. First is brittle.
अब मुझे एक बात बताओ, ब्रिटल और डक्टाइल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन से टाइप ऑफ मटेरियल में प्लास्टिक रीजन को कंपेयर किया जाता है, प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा और कौन से में कम होगा? डक्टाइल में ज्यादा होगा। डक्टाइल में प्लास्टिक रीजन विल बी ज्यादा। यस सर। अरे बाकी जनता, हाँ के ना? लग तो रहा है सर। लग रहा है सर। देखो सोचो, अपने को तार को एक्सपैंड कराना है, ठीक है, मतलब कॉपर को अपने को एक्सपैंड करा के तार बनानी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि उसको एक्सपैंड करा के मैं वहां पे, देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर मुझे कॉपर से वायर बनानी है तो उसको पकड़ के बैठा रहूं, वायर छोड़नी पड़ेगी वायर। मैं चाहता हूँ कि छोड़ू मैं, वायर ही रहे, वापिस ना आ जाए, हाँ के ना? यस सर। खींच के थोड़ी बेटर रहेगा तार, मतलब करा लो करंट पास, बैठा हूँ पकड़ के, है ना? तो क्या है, मैं चाहता हूँ कि वो वायर बनी रहे, दैट मींस वो डीफॉर्म हो जाए, वो वापस ना आए अपने रीजन में, अपने उसमें, सॉरी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी। तो मैं चाहता हूँ, हाँ तो क्या है, इस डक्टाइल के लिए मैं उस पर इतनी फोर्स लगाऊं, इतना स्ट्रेस लगाऊं कि वो अपने प्लास्टिक रीजन में चला जाए, और प्लास्टिक रीजन अगर ज्यादा होगा तभी वो डक्टाइल होगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी ब्रिटल के केस में क्या होगा, ब्रिटल डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर उसको खींचने की कोशिश करेंगे, ग्लास को खींचने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे अपना प्लास्टिसिटी शो करे, है ना, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए, बट उसके बाद क्या कर जाएगा, वो टूट जाएगा। तो अगर टूट ही गया तो मतलब प्लास्टिसिटी उसने शो की या नहीं की? नहीं की, मतलब बहुत कम की होगी, है ना? तो मतलब ज्यादा की प्लास्टिसिटी शो या कम की? कम की। तो मतलब प्लास्टिक रीजन कम होना चाहिए। Yes. बस तो ब्रिटल में प्लास्टिक रीजन क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, और डक्टाइल या फिर मेलिएबल, वो एक ही बात है ना, उसमें प्लास्टिक रीजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस ऐसी है, तो इसमें क्या होगा, ब्रिटल में ग्राफ कैसा बन जाएगा? तो इसमें कैसे है ग्राफ, पहले तो वही हुक्स लॉ ऑब्ली करेगा, फिर थोड़ा सा कर्व आएगा, और फिर टूट जाएगा, थोड़ा सा कर्व आया और थोड़ा सा रेंज प्लास्टिक में जाके टूट गया। इसकी प्लास्टिसिटी जो है, प्लास्टिक रीजन जो है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट बी था, और यहीं पास ही उसके सी आ गया और डी आ गया। तो यहां पे लिख लो, इट हैज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज। सिग्मा किसका सिंबल होता है? स्ट्रेस। एप्साइलन किसका सिंबल होता है? स्ट्रेन का, ठीक है। ब्रिटल का डेफिनेशन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, वो तो पता है, ठीक है। दूसरा है डक्टाइल। सर हम फ्रैक्चर पॉइंट को प्लास्टिक रीजन में कंसीडर करेंगे? फ्रैक्चर और कहाँ करेंगे भाई, उसको वापस इलास्टिक में ले आए,
नहीं सर वो भी नहीं हो सकता, चलो ठीक है सर, वो तो मटेरियल ही फिर पीसेस में ही होगा ना। सी के बाद तो यूं समझ ले बस, वो तो खत्म है काम, ठीक है ओके। वेरिएबल के स्पेलिंग देखना है यार, सही है पता नहीं मेरे को ई की जगह सर शायद ए आएगा। अच्छा ए आएगा यहां पे, ऐसे होगा, चलो देख लो मर्जी है, जैसे जिसका मन करे वैसा लिख लो, सब मोह माया है तो। अरे कहाँ जा रहा है, हाँ तुम लोग भी ऐसे लाइंस लगा के लिख लो, थोड़ा सही रहे, बाकी मर्जी है जैसे मर्जी लिख लो। ओके तो इसमें क्या होगा, प्लास्टिक रीजन ज्यादा होना चाहिए। अब ज्यादा होना चाहिए तो मतलब पहले तो वो ऐसे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे है, फिर प्लास्टिक रीजन जो है वो ज्यादा आएगा। ए तक ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया, और यहाँ डी, दिस इज लार्ज, तीसरा जो टाइप ऑफ मटेरियल है ना दैट इज डिफरेंट, व्हिच इज लाइक रबर होता है ना, रबर, यस, तो जो रबर होती है ना दैट इज कैटेगराइज्ड एज इलास्टोमर्स, वो ना हुक्स लॉ ओबे नहीं करती, तो वो मटेरियल्स जो हुक्स लॉ ओबे ना करते हैं वो दे आर इलास्टोमर्स, ठीक है। और एक हार्ट में वो होती है एओटा, वो भी हुक्स लॉ ओबे नहीं करती। क्या चीज है ये, क्या चीज है एओटा? लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो मुझे आज सुबह ही पता लगा मैडम, बस इतना पता था इट इज लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आगे किसको पास कर देती है, बाकी बॉडी पार्ट्स को, बाकी के आर्टरीज को, बाकी को आर्टरीज ही बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको सर? देखो सर, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, ठीक है, तो बाकी सब इन सब का अलग अलग फंक्शन है। आर्टरीज अलग है, वेन अलग है, कैपिलरी अलग है। आर्टरी और वेन मतलब कैपिलरीज में से कोई भी नहीं, आर्टरीज और वेन में से कोई भी मतलब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो मेरी रिवीजन हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम मेरे साथ रिवीजन कर, कोई नहीं बात नहीं बाद में करते हैं। इलास्टोमर गुनवीन इज द मटेरियल व्हिच डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, ठीक है मैं लिखवा देता हूँ। इसका जो ग्राफ है इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, क्यों नहीं करती? Yes. This question does not have any answer because this is a material property. इस पे क्यों नहीं होता? ये सब experimental चीजें हैं. All these graphs are made by experiments. Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग. These materials. Yeah. Elastomers do not obey Hooke's law. Number one. दूसरी चीज जैसे रबर है, और रबर जो है वो बहुत काफी, उसको जब खींच दिया हमने है ना, तो छोड़ देंगे वापस आ जाएगी, हाँ के ना? Yes, sir. तो उसपे जितना मर्जी स्ट्रेस लगाते रहो, जब तक टूटती नहीं तब तक वो इलास्टिक रीजन में है, वापस आ जाएगी, है ना? तो जैसे ही उसका इलास्टिक रीजन क्रॉस होगा, मतलब जैसे ही उससे ज्यादा
हमने कोई फोर्स लगाई उस पे, उससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लगाया तो टूट जाएगी. तो डज दैट मीन इट हैज हाई प्लास्टिक रीजन और नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन? नेग्लिजिबल, यस इट हैज नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन. क्योंकि अगर प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता तो वो डीफॉर्म हो जाती, पर डीफॉर्म होती नहीं है वो. जैसे ही छोड़ते रबड़ को, अपना रबड़ का छल्ला होता है जो घर में तुम लोग लेज के ऊपर खाके चढ़ाते हो, yes, तो क्या है उसको खींच के छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा, हाँ के ना? Yes, sir. Right. That is, it has elastomers have negligible. सर पर उसकी थोड़ी साइज तो बढ़ता रहता है ना, अगर हम थोड़ा खींच के छोड़े. बढ़ता है मतलब काफी बार अगर करें तो उसका साइज बढ़ता है. That is with time. You are right. वो फटीगनेस होती है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. ये हम सिंगल टाइम की बात कर रहे हैं. ओके सर. नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन, ठीक है. अब इमेजिन करो मतलब एओटा का साइज बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब उधर जगह है नहीं हार्ट के पास, तो क्या होगा? जयराम जी की एग्जांपल है इसकी, रबर. यही स्पेलिंग होता है, यही होता है सर. मतलब ये सिर्फ ए टू बी वाला पाथ फॉलो कर रहा है जो कर्व में हम बना रहे थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है. होगा इसका बी टू सी, सी टू डी वाला, बट वो नेग्लिजिबल है तो हम दिखा नहीं पाते. इट इज ऑलमोस्ट जीरो. यस इसकी एग्जांपल बता दो जरा एक दो. डक्टाइल की गोल्ड, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और इसकी ग्लास, इसकी सर ग्लास. Noted, done? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. सर हाँ जी बोलो. सर आई क्वेस्ट कोई क्रिकेट की लीग भी करता है वगैरह? हाँ करता था, करता है अभी, अभी भी पता नहीं शायद होगी नहीं होगी सच में सर. हाँ आईसीएल आई क्वेस्ट क्रिकेट सर होगी लीग सर, रोहित सर ने बताया था. अच्छा होगी. हाँ जी सर. नहीं मतलब सर कैसे होती टीम्स? आपने बनानी होती है टीचर्स ने? यार हाँ, द टीम्स आर लेड बाय द टीचर्स और उसमें मतलब बच्चे वही अपना सिलेक्ट करके. तो चलो सर आएंगे फिर खेलने. बट मैं बनाता नहीं, मैं तो नहीं बनाता. धीरज सर बनाते हैं तो यू कैन. सर आप क्यों नहीं बनाते? मेरे को यार इंटरेस्ट नहीं है यार क्रिकेट में, पता नहीं था तो मुझे. बाकी एक दूसरी एक साल एक, पहले तक एक दूसरा रीजन ये भी है, संडे को आना पड़ता है तो संडे को मेरे को नाबा से आना पड़ता है तो वर्किंग डे वाले दिन हो फिर तो चल जाता है. ट्रिप भी कह रहे थे, अरे वाह कहाँ लेके जाएंगे ट्रिप पे? किला चौक. आई क्वेस्ट ही ले जाएं ट्रिप पे तो
यस सर, हमारे लिए तो ये ट्रिप था। ये सही था वैसे। किला चौक तेरा घर किला चौक से दूर है क्या? नजदीक ही है सर, शॉप है वहां पे। अच्छा अच्छा, फिर वहां तो कर लेता होगा तो ट्रिप। इधर बोल दे तू, थप्पर वाली साइड ही बोल देता। चलो अच्छी बात है। चले यस सर। हाँ सर, अगले टॉपिक पे। किला चौक। किला चौक।